गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपके लिए आज ओजोनोलिसिस रिएक्शन का सेकंड वीडियो पार्ट टू लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ओजोनोलिसिस रिएक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, आज ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बाकी के एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मेरा ये कहना है कि वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए और वीडियोस के अपडेट के लिए कौन सी वीडियो कब डल रही है आपको ताकि पता लगता रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखना, ओजोनोलिसिस पार्ट टू। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो ओजोनोलिसिस की वीडियो बनती उसमें मैंने ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया था। मैंने कहा था ओजोनोलिसिस जो होती है वो 1-3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन या 2+3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें 1-3 डायपोल बनता है इस ओजोन के मॉलिक्यूल का। ये ओजोन का मॉलिक्यूल ल्यूमो की तरह बिहेव करता है, यानी ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, ल्यूमो प्रोवाइड करता है, और ये एल्कीन का मॉलिक्यूल होमो प्रोवाइड करता है, डोनर की तरह बिहेव करता है। तो इस एल्कीन के सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड क्लीव हो जाएंगे और O3 के साथ रिएक्शन पे यहाँ ओजोनाइड बनेगा। सबसे पहले ये ओजोनाइड को बनाने का तरीका बताया था मैंने, इस डबल बॉन्ड को मिटाओ, एक ऑक्सीजन ऊपर लगाओ, दो ऑक्सीजन नीचे लगाओ, ठीक है। ओजोनाइड के बनने के बाद इस ओजोनाइड की रिंग की क्लीवेज होगी। चाहिए क्लीवेज रिडक्टिव क्लीवेज हो सकती है, चाहिए क्लीवेज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो सकती है। रिडक्टिव क्लीवेज में बनने वाले प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन है, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में बनने वाले प्रोडक्ट कीटोन और एसिड है। डिपेंड करता है कि हमने कौन सी क्लीवेज का पाथ चुना है और किस तरह का रिएजेंट डाला है। मैंने लास्ट क्लास में रिएजेंट्स भी डिस्कस किए थे। अच्छा, इसके अलावा इस रिडक्टिव क्लीवेज में के बाद यहाँ पे कोई मेटल हाइड्राइड भी डाला जा सकता है, जो यहाँ पे बनने वाले रिडक्टिव क्लीवेज में बनने वाले एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल्स में। अब हम पढ़ेंगे आज बाकी का कंसेप्ट। देखना, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिया, ये एरोमेटिक रिंग ली जिसपे एक OCH3 ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहली रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिथियम THF डाला, लिथियम डाला, अमोनिया और टर्शियरी ब्यूटेनॉल के प्रेजेंस में। रिएक्शन का नाम बल्क रिडक्शन। आई होप बल्क रिडक्शन का प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको आता है, नहीं आता तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका देखना। ये क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये OCH3 ग्रुप में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये मिथाइल ग्रुप भी कैसा है, प्लस आई के थ्रू या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और बल्क रिडक्शन में जब बेंजीन रिंग पे एरोमेटिक रिंग पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो तो रिडक्शन जो होती है वो ऑर्थो मेटा रिडक्शन होती है, ऑर्थो मेटा रिडक्शन होती है। यानी किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में एक तो ऑर्थो पोजीशन और दूसरी मेटा पोजीशन को मैं रिड्यूस करूंगा। देखो, इसकी ऑर्थो और इसकी मेटा मैं रिड्यूस करता हूं, रिड्यूस करके प्रोडक्ट बनाऊंगा। यहां OCH3, यहां CH3, डबल बॉन्ड लगाऊंगा यहां, और रिडक्शन के हाइड्रोजन लगाऊंगा यहां, ठीक है। ये रिडक्शन का प्रोडक्ट बना। अब देख लो, दोनों ग्रुप के हिसाब से देख लो, इसके हिसाब से भी ऑर्थोमेटा है और इसके हिसाब से भी ऑर्थोमेटा रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब हमारी मेन रिएक्शन ओजोनोलिसिस की। मैंने आपको ये बात तो बताई थी लास्ट क्लास में कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन उस डबल बॉन्ड पे होगी जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। CH3 ग्रुप किससे, या तो प्लस आई से या हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या OCH3 ग्रुप किससे रिलीज करेगा, प्लस आर से, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबल बॉन्ड पे ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबल बॉन्ड पे ज्यादा है तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी इस डबल बॉन्ड की होगी, ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी इस डबल बॉन्ड की होगी। प्रोडक्ट लिखने का तरीका बताया था आपको ओजोनोलिसिस का। आप देखो, रिडक्टिव क्लीवेज है, Me2S मिथेनॉल रिडक्टिव क्लीवेज है,
तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका, इस डबल बोंड को हटाओ, देखना मैंने प्रोडक्ट लिखने का तरीका आपको ये बताया था, ओ सी एच थ्री डबल बोंड सी एच थ्री, डबल बोंड हटा के एक डबल बोंड हो यहाँ लगा दो और एक डबल बोंड हो यहाँ लगा दो, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया रिडक्टिव क्लीवेज का, होगी ओजोन लिसिस रिएक्शन होगी। उसके बाद देखना मैंने क्या डाला, NaBH4 डाला, NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, देखो यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ क्या है ये एस्टर ग्रुप है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, तो यहाँ पे क्या बना देगा CH2OH और ये एस्टर ऐसे कैसे, तो बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट CH2OH, ये एस्टर COOME ऐसे कैसे, और यहाँ डबल बोंड और ये CH3, ठीक है। यह है एक एग्जांपल ओजोनोलिसिस रिएक्शन का। देखना बच्चों अगला कंसेप्ट देखना, अगर अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी है वो सिंपल एल्कीन में पढ़ी है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन सिंपल एल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर इस एल्कीन के अलाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक आपको पता है ये कार्बन है, ये CH2 अलाइलिक है, और इस CH2 पे अगर OH हो तो अलाइलिक OH हो जाएगा, अगर अलाइलिक OH हो गया या फिर इस अलाइलिक कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया, ठीक है, अलाइलिक कार्बन पे OH हो गया या कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो रिएक्शन का पाथ बदल जाएगा, रिएक्शन का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। उस कंडीशन में जो हम अभी तक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं उस तरीके से ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, थोड़ा सा पाथवे अलग है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं। देखना अलाइलिक एल्कोहल वाला केस देखना, ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R2 और R3 ग्रुप, ठीक है, R1 R2 R3 ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड इसके अलाइलिक पोजिशन पे OH है। सबसे पहला स्टेप तो जो ओजोनाइड फॉर्मेशन है वो ही है, सबसे पहला स्टेप तो ओजोनाइड फॉर्मेशन का ही है। देखना मैं ओजोनाइड कैसे बनाऊंगा, ये कार्बन इस पे क्या है R2 और R3, ठीक है, और ये वाला कार्बन इस पे क्या है R1 है, एक CH2 है और एक OH है, ठीक है। उसके बाद देखना ओजोनाइड कैसे बनाओगे, एक ऑक्सीजन एक साइड और दो ऑक्सीजन दूसरी साइड, इसी तरह बनाओगे ओजोनाइड, ये कार्बन है ये ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देखना आगे का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल डोनेट होगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखो दो हाइड्रोजन के साथ तीसरा ये और दो यहाँ से पांच, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, इस तरीके से कुछ ये रिंग क्लीव होगी। मैं यहाँ पे H2O2 डालता हूँ, ठीक है, तो देखना कैसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O, जिसको मैं इस प्रोडक्ट को लिख सकता हूँ HCHO, एक तो प्रोडक्ट बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा प्रोडक्ट देखना R1 किससे जुड़ा है, C से, इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, ये तो ग्रुप हट गया, एक तो इधर डबल बॉन्ड हो और एक ये O नेगेटिव और एक इधर डबल बॉन्ड O, ये और ये O नेगेटिव यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था उस H पॉजिटिव को ले लेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा तीसरा प्रोडक्ट यहाँ से मैं कार्बन लिखता हूँ, इस कार्बन पे क्या क्या है देखना, एक साइड R2 है, एक साइड R3 है,
ठीक है। इसके अलावा देखना, ये ऑक्सीजन तो लीव कर चुका, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। तो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे इनको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ। एक प्रोडक्ट बनेगा HCHO, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये R1COO-, और तीसरा प्रोडक्ट बनेगा ये R2C OR3। ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे जब एलाइलिक एल्कोहल वाला केस है, ठीक है। तो ये सिर्फ एलाइलिक एल्कोहल वाले केस में नहीं है, देखो मैं ऐसा कह देता हूँ, ये डबल बॉन्ड है, ये एलाइलिक पोजीशन है, और ये एक हेट्रो एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। तो इस हेट्रो एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है, उसकी प्रेजेंस में जो हम ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं बन रहे, कुछ अलग ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यानी इन केस ऑफ एलाइलिक पोजीशन हैविंग हेट्रो एटम, अगर एलाइलिक पोजीशन पे हेट्रो एटम होगा तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, किस रिएक्शन में, इस ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं अगला केस लिखता हूँ, किसका अगला केस ले लेता हूँ, इस जब एलाइलिक पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड हुआ है, जब एलाइलिक पोजीशन पे ये सी डबल बॉन्ड हुआ है R1, R2, R3 और R4, इसको मैं कहूँ तो देखो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन भी है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है, देखना ये कीटोन है, ये कीटोन है, इसके अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या है, अनसेचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। इसमें अगर ओजोनोलिसिस करूंगा तो देखना, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में O3 डाला H2O के प्रेजेंस में, सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले ये H2O क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्या बनेगा देखना, R1 डबल बॉन्ड, R2 R3 O- OH2 पॉजिटिव और R4। इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे गया। इसके बाद देखना ये O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बियर नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस होगा, H पॉजिटिव को कौन लेगा, ये O नेगेटिव लेगा, तो क्या बनेगा देखना, R1 डबल बॉन्ड, R2 R3 यहाँ पे OH और R4। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये ऊपर वाले केस की तरह एलाइलिक अल्कोहल वाला केस हो गया, हो गया ना, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ऊपर दिखाता हूँ देखना एक बार, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था देखना एक बार, एलाइलिक अल्कोहल बगल वाले कार्बन पे OH, और देखना इधर भी बगल वाले कार्बन पे OH, एलाइलिक अल्कोहल जैसा ही केस हो गया, और अब रिएक्शन भी कुछ कुछ उसी तरह प्रोसीड करेगी, देखना अब होगी O3 से रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, क्या बनेगा यहाँ से देखना प्रोडक्ट, मैं इस कार्बन और इस कार्बन को लिखता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, इस पे क्या है, एक कार्बन है और क्या है, एक R4 है, एक OH है, और यहाँ दूसरा भी OH है, ठीक है। इस पे क्या है, R3 है और R2 है, अच्छा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के मुझे क्या बनाना है, ओजोनाइड बनाना है, ओजोनाइड बनाना है, कैसे बनाऊंगा, एक ऑक्सीजन एक साइड ऐड किया, बाकी के दो ऑक्सीजन दूसरी साइड, ठीक है। अब क्या होगा, अब रिएक्शन प्रोसीड करेगी फर्दर, जैसा ऊपर मैकेनिज्म बताया था बिल्कुल उसी तरह, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। अब इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड 3, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट देखना, सबसे पहले मैं इस कार्बन के प्रोडक्ट बनाता हूँ,
इस कार्बन पे क्या क्या है, एक OH है, इधर से डबल बॉन्ड O बनेगा, ठीक है, ये H जा ही चुका है, और यहां से क्या बनेगा, यहां से R4, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहां से दूसरा देखना, दूसरा प्रोडक्ट देखना, इस कार्बन का, इस कार्बन का प्रोडक्ट, इस कार्बन पे क्या क्या है, देखो R1 है, उसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, R1 ये बॉन्ड टूट गया, यहां डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आएगा, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव क्या करेगा, यहां से जो H पॉजिटिव निकला था उसको ले लेगा, दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट देखना, तीसरा प्रोडक्ट देखना क्या बनेगा, ये कार्बन, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये रहा, एक R2 R3 क्या बन गया, तीन प्रोडक्ट बन गए, एक ये भी एसिड है, ये क्या है, ये भी एसिड है, एच पॉजिटिव ले लेगा, और ये क्या है, ये कीटोन है। ये तीन तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं, इनको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, R4 COOH, इसको लिखता हूँ R1 COO-, और तीसरों को लिखता हूँ R2 C R3 R3 डबल बॉन्ड O। तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जब अलाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप हो, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का केस लिया जाए तो इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन। एक कंसेप्ट जो बच्चों रह गया है ओजोनोलिसिस रिएक्शन में लास्ट, वो है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइंस। ओजोनोलिसिस फर्स्ट ऑफ अल्काइंस देखो दो तरीके से हो सकता है, O3 में या O3 के साथ H2O के प्रेजेंस में। अगर हम सिर्फ ओजोन में ओजोनोलिसिस करते हैं अल्काइन का, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा डाई कीटोन है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा डाई कीटोन है, ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में करते हैं यही रिएक्शन, तो यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, हम इनकी बात करते हैं, देखना मैकेनिज्म। सबसे पहले मैं सिर्फ ओजोनोलिसिस रिएक्शन जब वाटर नहीं है तो उसका प्रोडक्ट डिस्कशन करता हूँ, क्या होगा, सबसे पहले ये मोलोजोनाइड बनेगा। मोलोजोनाइड बनने का तो तरीका वही रहता है कि 1,3 डायपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। इस O3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, O नेगेटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे, तो ये रिंग बन जाएगी। उसके बाद ये रिंग रीअरेंज होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R। ये तो तरीका है ये 1,3 ना अल्फा बीटा डाई कीटोन बनने का। दूसरा तरीका देखो, अगर मैं O3 वाटर के प्रेजेंस में डालता हूँ तो क्या होगा, पहले तो बनना मोलोजोनाइड है, लेकिन ये मोलोजोनाइड ओजोनाइड में कन्वर्ट होगा। ओजोनाइड कैसे बनेगा देखना, ओजोनाइड बनेगा ऐसे R C O C, ये ओजोनाइड बनेगा, और फिर इस ओजोनाइड की कुछ इस तरह क्लीवेज होगी कि ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में देखो फिर हमने क्या डाला है, वाटर डाला है, वाटर से क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये वाटर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन पे वापस, और यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दूसरा प्रोडक्ट R C डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव, और फिर ये O नेगेटिव H पॉजिटिव लेके क्या बनाएगा, RCOOH और R-COOH, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से हमें मिल सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट था बच्चों ओजोनोलिसिस में। ओजोनोलिसिस में एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है,
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस प्रेफर की जाती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओजोनोलिसिस प्रेफर्ड है। O3 प्रेफर्ड किसकी? ओजोनोलिसिस प्रेफर्ड किसकी है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बाकी काम पड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।